हेलो दोस्तों, आई एम गुलाम नबी। आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी चीज। आपको भविष्य में किसी चीज का शौक हो, जब आपने कहा कि मेरे पास में गाड़ी होगी तो नई नई गाड़ियों में घूमने का शौक हो, जब मेरे पास में पैसे होंगे तो मुझे माउस करने का शौक होगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ये काम का शौक होगा या शौक नहीं होगा, ये चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आपका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद में विल बी हो जाएगा, अगर ना में कहना तो विल नॉट बी कहेंगे, उसके बाद में फॉर्म ऑफ फॉर्म का माना ही था शॉप या शॉपिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास में बाइक नहीं है, लेकिन जब मेरे पास बाइक हो जाएगी तो मुझे बाइक चलाने का शौक होगा। आई विल बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक। और हमने कहा कि देखिए बाइक ऐसी चीज है उसमें हमें तो कुछ मजा नहीं आता है, और अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मेरे पास हो जाएगी तो उस समय भी क्या होगा कि मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं होगा। आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक। हाँ, अगर कार की बात करें तो कार जब हमारे पास हो जाएगी आने वाले समय में, मुझे कार चलाने का शौक होगा। आई विल बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। अगर इसको भी आप नामे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। इसी तरह आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाचने का आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको बड़ा शो मिलेगा, तो आपने कहा हाँ भविष्य में आपको अगर बड़ा स्टेज मिलता है तो मुझे लोगों के सामने नाचने का शौक होगा। आई विल बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। हमने कहा कि हाँ मुझे नाचने का शौक तो होगा, लेकिन लोगों के सामने नहीं, घर में नाचने का शौक होगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। मुझे नए लोगों से बात करने का शौक होगा, अभी तो हमें शर्म लगती है नए लोगों से मिलने में, बात करने में, बट इन द फ्यूचर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक होगा। ये मान लीजिएगा कि अभी आप क्रिकेट नहीं खेलते, आई विल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो जाए, हमने कहा जब पैसा आपको होगा भाई तो आपको भी नई नई जगह घूमने का शौक होगा। यू विल बी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस। जब आपके पास पैसा कार हो जाएगी तो आपको कार चलाने का शौक होगा। यू विल बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार, या यू विल बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक, तो बाइक के लिए राइडिंग करेंगे, फोर व्हीलर के लिए ड्राइविंग करेंगे। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक होगा, दे विल बी फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट। अगर तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपके लिए बहुत क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हर एक ग्रामर की तरह लास्ट में एक सेंटेंस को छह तरीके से कह लेते हैं। जैसे कि मैं तो खाना नहीं पकाता हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा खाना पकाने का शौक होगा, तो हमने कहा उसे खाना पकाने का शौक होगा, he will be fond of cooking the food। इसे सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में कहेंगे तो आप यू कहेंगे he will not be fond of cooking the food। अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको कहना होगा will he be fond of cooking the food। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह रहा है तो कहेंगे कि will he not be fond of cooking the food, यानी क्या उसे खाना पकाने का शौक नहीं होगा। उसे खाना पकाने का शौक कब होगा, मतलब इतने दिनों से पका रहा है बनता अभी हुआ नहीं, तो when will he be fond of cooking the food, उसे खाना पकाने का शौक कब होगा। उसे खाना पकाने का शौक क्यों नहीं होगा, तो why will he not be fond of cooking the food। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मुझे पता चल गया है, और मैं जानता हूँ कि आपने काफी इंजॉय किया होगा। सो प्लीज आप इस तरह के दूसरे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपील।